पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे आत्मदेव जी, जिनकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। बहुत धनवान होते हुए भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ते थे, वो डेली भिक्षा वृत्ति करते थे। जितने ही वो धार्मिक थे उतनी ही उनकी पत्नी उल्टी थी, झगड़ालू थी। पड़ोस में जब तक वो दो चार घर में झगड़ा ना करवा दे तब तक उसका खाना भोजन नहीं पचता था और देखने में अति सुंदर। उसका नाम धुंधली था। समय बीतता गया, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। भगवान ने सब कुछ दिया था लेकिन उनको संतान भगवान ने नहीं दी। बस उन्हें एक ही दुख था कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। एक बार आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए। उनकी उम्र ढल चली थी। उन्होंने सोचा कि अब वन वनांतरों की तरफ चला जाए, क्योंकि अब गृहस्थ में रह के भी हम क्या करेंगे। तो आत्मदेव जी वन की ओर चल दिए। सामने एक सरोवर दिखा, उनको बहुत ही तेज प्यास लगी हुई थी। जैसे ही वो सरोवर में पानी पीने गए, पानी पीकर वहां पर बैठे ही थे, इतने में एक सन्यासी आ गई। सन्यासी जी को देखकर आत्मदेव जी बहुत रोने लगे, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बहुत ही जोर जोर से रोने लगे। अब सन्यासी जी कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, उसका कारण बताओ, तुम्हारी इतनी चिंता का कारण क्या है। आत्मदेव जी कहते हैं कि प्रभु आपके आशीर्वाद से मुझे घर में सब कुछ है, धन दौलत है, नाम सुहरत है, पद प्रतिष्ठा है, अति सुंदर स्त्री है, लेकिन हमारी यहाँ कोई संतान नहीं है। सन्यासी जी ने उनके मस्तक पर देखा और वो देखकर समझ गए कि आत्मदेव जी के यहाँ सात जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। उन्होंने उस ब्राह्मण को आत्मदेव जी से बोले, तुम्हारे यहाँ सात जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। फिर भी वो हाथ जोड़कर रोने लग गए कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही कुछ करिए। सन्यासी जी को उनके ऊपर दया आ गई। उन्होंने एक फल लिया, यह फल तुम अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, लेकिन उनको पूरा एक वर्ष तक सत्य धर्म, एक ही अन्न का भोजन एक टाइम एक वर्ष तक करना होगा, और यदि इस नियम का वो पालन करेंगे तो बहुत ही ज्ञानवान बुद्धिवान संतान की प्राप्ति होगी। अब तो आत्मदेव जी बहुत ही प्रसन्न होकर घर वापस आ गए। जैसे ही पत्नी ने उन्हें देखा कि आप तो वापस आ गए, वो बोले अब हमें वो
दुख नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी वृक्ष लगे हैं उन पर फल और फूल नहीं आते। हमारे यहाँ जितनी भी गौएं हैं वो बांझ रह गई हैं। अब हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। ये फल जो महात्मा जी ने दिया है, इस फल को आप खाइए। और उन्होंने बताया कि इस प्रकार का आपको एक वर्ष तक नियम पालन करके सत्य धर्म का पालन करना है। और उन्होंने अपनी पत्नी को फल दिया और वो कहीं बाहर चली गई। अब तो धुंधली अकेली बैठकर बहुत रोने लग गई, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। वो अति सुंदर होने के लिए जानी जाती थी। अब वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई। उसकी सखियां आ गई वहां पर। एक सखी बोली कि तुम रो क्यों रही हो? धुंधली ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, और यदि मेरे यहाँ ये संतान पैदा होगी तो मेरी सुंदरता में कमी आ जाएगी। अब देखिए, उनके पति को इतनी चिंता, वो संतान के लिए कितने दुखी थे। और जब भगवान ने उन्हें मौका दिया कि तुम्हारी यहाँ संतान होगी, तो पत्नी को अपनी सुंदरता की फिक्र लगी है कि मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। इतने में उसकी बहन आ जाती है। उसने सारी कथा अपनी बहन को सुनाई तो बहन ने कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो, मेरे पेट में एक महीने का गर्भ है, तुम्हारे यहाँ बहुत सारा धन है और मेरे यहाँ बहुत सारी संतानें हैं, तुम मुझे बहुत सारा धन दे देना और बदले में हम तुम्हें संतान दे देंगे। धुंधली ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। धुंधली ने सोचा, इससे अच्छा क्या, संतान भी मिल जाएगी और मेरी सुंदरता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके पति आए, आत्मदेव जी आते हैं। उन्होंने बोला, तुमने फल खा लिया था? धुंधली बोली, हाँ मैंने फल खा लिया। और उसकी बहन के बताए अनुसार फल धुंधली ने गौ माता को खिला दिया। अब उनके आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। धुंधली ने बोला, पर हम ये संतान अपनी बहन के यहाँ पैदा करेंगे। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है। धुंधली अपनी बहन के यहाँ चली जाती हैं, और जैसे ही वो बच्चा उनकी बहन के यहाँ पैदा होता है, वो खबर भेजती हैं कि उन्होंने एक बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव जी बहुत ही खुश होते हैं। सम्मान सहित पत्नी को घर पर लेके आते हैं और वो जिद करके अपनी बहन को भी साथ में लेकर आती हैं। यदि बहन को नहीं लाती तो बच्चे का पालन कैसे होता? अब उनके यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ नहीं था, बच्चे को दूध भी पिलाना था, तो वो अपनी बहन को लेकर आ गई। आत्मदेव जी ने बहुत ही बड़ा उत्सव रखा, बहुत बड़ा उत्सव रखा, सभी रिश्तेदारों को, पूरे गांव को आमंत्रित किया। बच्चे के जातकर्म संस्कार किए गए,
सभी लोग पूरे रिश्तेदार बधाइयां दे रहे हैं आत्मदेव जी को और धुंधली को। बहुत ही उत्सव का वातावरण है। अब सभी लोग उत्सव में शामिल होंगे। हम सभी लोग अब देखिए, जब घर में बालक वो भी पुत्र पैदा होता है तो बहुत ही ज्यादा उत्सव मनाया जाता है। तो सभी मिलकर सोहर गीत गाएंगे। Thank you.
चाहिए तो अठन्नी ले लो। अब वो कहती है, अरे जा रे अठन्नी हमरी जेठा की कमाई, तो बोलती है कि अब ठेंगा ले लो और अपने घर चली जाओ। उसमें दो आना भी नहीं दिए गए, इतनी कंजूस। अब ठीक है, जो भी है, धुंधकारी जी का जात कर्म संस्कार किया गया और बहुत ही उत्साह मनाया गया उनके जन्म का। और उसके 3 महीने बाद जो फल गौ को खिला दिया था, तो देखिए गौ माता के यहाँ एक बालक जन्म लेता है। बहुत ही सुंदर बालक पैदा हुआ गौ माता के यहाँ। अब देखिए उसके कान गाय के हैं और पूरा शरीर मनुष्य का है। उनका भी जात कर्म संस्कार किया गया। आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने उनका पूरा जात कर्म संस्कार किया और गौ के समान कान होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? आप लोगों ने पहले भी कथा सुनी होगी, उस बालक का क्या नाम पड़ा? गौकरण। गौकरण, उस बालक का नाम गौकरण पड़ा। अब देखिए गौकरण और धुंधकारी धीरे धीरे बड़े होने लगे और दोनों बच्चे जब बड़े हो गए तो गौकरण को दोनों को पढ़ने भेजा गया, लेकिन धुंधकारी का मन कहीं नहीं लगा। गौकरण पढ़कर बहुत बड़े विद्वान पंडित बने, बहुत ज्ञानी पंडित बने,
जितने ही सर्वगुण संपन्न गौकरण बने उतने ही सर्व अवगुण संपन्न धुंधकारी जी बने। गोकरण सर्वगुण संपन्न और धुंधकारी जी सर्व अवगुण संपन्न। अब देखिए धुंधकारी में ऐसा कोई अवगुण नहीं बचा था जो धुंधकारी में ना हो। धुंधकारी चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यवृत्ति करने लगा और गोकरण उतने ही धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञान बहुत ही बड़े ज्ञानी पंडित भागवत पुराण करने लगे, अनुष्ठान करने लगे, जगह जगह जाके धार्मिक कथाएं सुनाने लगे। समय बीतता गया, अब तो धुंधकारी के अत्याचारों से सभी लोग परेशान हो गए। वो किसी के भी बच्चे को खिलाने के लिए गोद में लेता और जाकर कुआं में पटक देता, इतना अत्याचारी था। हृदय में बिल्कुल दया नहीं उसकी। बहुत समय बीत गया, जब घर का पूरा धन संपत्ति ले जाकर वैश्याओं के ऊपर लुटा दिया। अब तो एक दिन उसके पिता बहुत ही दुखी हुए। गोकरण ने अपने पिता से कहा कि अब आपकी पिताजी उम्र हो गई है, आप वन वनांतरों में जाकर भगवान की भक्ति कीजिए। आत्मदेव जी ने यही किया, वन वनांतरों में चले गए और भगवान की भक्ति में लग गए। अब एक दिन यहाँ पर धुंधकारी आया, उसने अपनी माता को बहुत पीटा और कहने लगा कि धन कहाँ रखा है। माता के पास कुछ भी नहीं बचा था, सारा धन लूट लूट कर धुंधकारी ने वैश्याओं के ऊपर लुटा दिया था। बहुत पीटा माता को, बहुत पीटा। माता परेशान होकर कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा पापी धुंधकारी पैदा हुआ, ऐसी संतान से तो बिना संतान का होना अच्छा है, बांझ होना अच्छा है ऐसी संतान से। अब तो धुंधकारी को किसी का भी डर नहीं रहा, माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, मनमानी करने लगा। घर में कुछ भी धन नहीं बचा, वैश्याओं के ऊपर पूरा धन लुटा दिया। अब वैश्याएं तो पीछे पड़ती, तुम इतना धन लेकर आओ तभी हम आने देंगे। पूरे गांव में चोरी करने लगा, दूसरे गांव में जा जाकर चोरी करने लगा, राजाओं के यहाँ जाकर चोरी करने लगा। जब बहुत समय हो गया, बहुत चोरी कर करके वैश्याओं के ऊपर लुटा दिया, उनके घरों में धन भर दिया। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि देखो इसका पाप तो इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा चोर हो गया है ये, एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, राजा इसे पकड़ भी लेंगे और इसको प्राण दंड देंगे और इसके साथ हम सब पकड़े जाएंगे। तो वैश्याओं ने विचार किया कि क्यों ना अब इसको इसी की हत्या कर दी जाए। देखिए धुंधकारी उन्हीं वैश्याओं के ऊपर माँ बाप का धन लुटा दिया, चोरी करके ला ला के उनके ऊपर धन लुटा दिया। वैश्या ऐसी होती हैं, प्रेम की बातें दे दे के सामने वाले का पूरा धन लूट लेती हैं और अंत में उसी की हत्या का विचार करने लगती हैं। वैश्या ने विचार किया और आधी रात में धुंधकारी सोया हुआ था, चारपाई की पार्टी पर पांच वैश्याओं ने दो ने सर के तरफ और दो ने पांव के तरफ धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया।
धुंधकारी बहुत छटपटा रहा है। वैश्या को लगा कि ऐसा ना हो कि ये छूट कर भाग जाए तो ये तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। पांचवी जो वैश्या थी उसने जलते हुए अंगारे एक भगोनी में भरकर जलते हुए अंगारे उसके मुंह पर पटक दिए। उसके मुंह पर जैसे ही अंगारे पटके धुंधकारी जल गया, तड़पने लगा, तड़प तड़प के धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तो देखिए आजकल के हमारी युवा बहुत ही ज्यादा प्रेम प्रसंगों में फंस जाते हैं और अंत में उनकी भी यही दशा होती है। सारा धन खुद का भी लुटा देते हैं और माता पिता का भी धन लुटा देते हैं। देखिए पत्नी पत्नी ही होती है लेकिन प्रेमिकाएं मुंह देख के आपका धन देख के प्यार करती हैं, असली प्यार नहीं करती। असली प्रेम जो करती है वो जिंदगी भर आपको छोड़कर जा ही नहीं सकती। तो देखिए जैसी धन धुंधकारी की दुर्दशा हुई ऐसी दुर्दशा आज के युवाओं की नहीं होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करना है। अब देखिए जब धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है तो धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बनता है क्योंकि उसने इतने अत्याचार किए थे, इतने सारे पाप किए थे कि उसकी मुक्ति होनी ही नहीं थी। उसके भाई गौकर्ण थे जो उनको पता लगा कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई और इतनी बुरी दुर्दशा के साथ उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने गया जी में जाकर पिंडदान किए, पूजन पाठ किया कि उनकी मुक्ति हो जाए और गौकर्ण अपने गांव वापस आ जाते हैं। एक दिन रात्रि में गौकर्ण जी लेटे हुए थे तभी वहां पर जोर जोर से रोने की आवाज आई। गोकर्ण ने सोचा कि इतनी तेज रोने की आवाज किसकी आ रही है। चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखा। गोकर्ण ने बोला भाई कौन है, कौन इतनी तेज तेज आवाज में रो रहा है। तब धुंधकारी रोते हुए बोला भाई मैं तेरा ही भाई धुंधकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, अत्याचार किए हैं, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। गौकर्ण जी ने कहा कि हमने तो तुम्हारा पिंडदान भी गया जी में कर दिया है, फिर तुम्हारी कैसे मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला इतने सारे पाप जो हमने किए हैं, अरे आप 100 बार भी गया जी में पिंडदान कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब गौकर्ण ने कहा तो फिर अब मैं क्या करूं। धुंधकारी ने कहा भाई आप ही हैं जो मेरी मुक्ति का कोई उपाय सोच सकते हैं। धुंधकारी जी पूरी रात रोता रहा। गौकर्ण जी पूरी रात विचार करते रहे कि मैं कैसा करूं कि मेरा भाई इस प्रेत योनि से छूट जाए। प्रातः काल गौकर्ण ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया। सूर्य भगवान बोले गौकर्ण क्या बात है। बोले प्रभु मेरा भाई धुंधकारी बहुत ही बड़ा प्रेत बन गया है, उसको इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए, उसकी मुक्ति हो जाए
इसके लिए हमें कोई उपाय बताइए। क्योंकि गया जी ने पिंडदान देने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। सूर्य भगवान बोले, इसका उपाय एक ही है। आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण का अनुष्ठान कीजिए और सातों दिन की कथा प्रेत धुंधकारी को सुनाइए, तो उसका निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने ऐसा ही किया। बहुत ही विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह परायण का अनुष्ठान किया। अब देखिए, प्रेत एक जगह ठहर कर नहीं बैठ सकता, इसीलिए सात गांठों का बांस श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में बांधा गया। उसमें एक नारियल लाल कपड़े में बांधा गया जिसमें धुंधकारी बैठा। अब जैसे ही सातों दिन की कथा होती है, पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट जाती है। आप लोगों के समक्ष बांस बंधा हुआ है सात गांठों का, उसमें नारियल बंधा हुआ है और धुंधकारी आप सबके सामने इस बांस में बैठा हुआ है। तो जैसे ही एक दिन की कथा होती है, एक गांठ फट जाती है। दो दिन की कथा होती है, दूसरी गांठ फट जाती है। इसी प्रकार जब सातों दिन की कथा हो गई तो सातों गांठें फट जाती हैं और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलता है। उस दिव्य पुरुष का हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे तालियां बजाकर। ये होता है श्रीमद् भागवत कथा का फल। जो प्रेत बैठा हुआ था वो सात दिनों बाद एक दिव्य पुरुष के रूप में उस बांस में से निकला और उसके लिए स्वर्ग से विमान आया। अब जैसे ही उस विमान में धुंधकारी बैठने लगा, वह दिव्य पुरुष बैठने लगा, तो गौकर्ण जी ने कहा कि भाई कथा तो यहाँ सभी ने सुनी है सात दिन की, अकेले मेरे भाई धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो देखिए, जो विमान में पार्षद आए हुए थे वो कहने लगे कि देखिए, सातों दिन की कथा तो सबने सुनी है, परंतु जैसे तुम्हारे भाई धुंधकारी ने सुनी है, ऐसी इधर किसी ने भी नहीं सुनी। बोले, ऐसा उन्होंने कैसा श्रवण किया बताया? सभी लोग तो यहाँ कथा सुनकर घर चले जाते थे, घर में भी बहुत सारे कामकाज हैं, यहाँ से जाकर अपने अपने कामों में लग जाते थे, लेकिन धुंधकारी, उसको तो कोई काम था नहीं। वह इस बांस में बैठकर जो कथा सुनता था, जब तक कथा होती थी तब तक वो कथा सुनता था और उसके बाद उस कथा का पूरे समय मनन चिंतन करता था, जो कि हम नहीं कर पाते। हमने कथा सुनी, हम घर गए, अपने अलग अलग कामों में लग गए, लेकिन धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव समर्पण के साथ कथा का अमृत पान श्रवण पान किया था और उसका मनन चिंतन भी किया था। इसीलिए धुंधकारी को विमान आया है। एक बार उस दिव्य पुरुष के लिए सभी लोग तालियां बजाएंगे और यदि हम सब लोग भी ऐसी पूरी श्रद्धा
समर्पण भाव के साथ जैसे मैं 3 दिन से यहाँ देख रही हूँ, हमारी नारी शक्तियाँ, हमारे भाई लोग बड़े ही समर्पण और श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार हम सब लोग जहाँ जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, हम सब लोग श्रवण करते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तो एक दिन हम सबको भी विमान आ ही जाएगा। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। तो देखिए धुंधकारी का ऐसा अच्छा, उसकी मुक्ति होती है,